वेलकम टू हॉटपॉट फूड्स यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का सूजी का हलवा। विंटर स्पेशल में ये रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। तो चलें देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप हमारे पास सूजी है, यहाँ पर एक कप ही हमारे पास चीनी है। चीनी हलवे में चीनी ज़्यादा जाती है, लेकिन जिन लोगों को लाइट पसंद है वो एक कप ले सकते हैं, और जिन लोग को मीठा ज़्यादा पसंद है वो 1/4 कप चीनी डाल लें, इनफ होगा इतना। इस कप से 3 कप मेयर करके पानी ले लेंगे। 5 से 6 हमारे पास इलायची हैं, इसको हम क्रश कर लेंगे, और इलायची का पाउडर है 1/2 टीस्पून। ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ इलायची को आप क्रश करके डाल सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास 10 से 12 बादाम लिए थे, और इसको इस तरीके से हमने क्रश कर। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बराबर में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और ये फ्री है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट। कढ़ाई में 1/2 कप के बराबर इस तरीके से घी डाल लेंगे। इतना घी होना चाहिए तो सूजी आपकी जो है वो डिप हो जाए घी के अंदर। इसको मेल्ट कर लेंगे। पहले घी मेल्ट हो चुका है, इसमें इलायची को डाल देते हैं। इलायची के दाने निकाल लिए थे हमने, इसको सौते करेंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो आप यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सूजी डाल देते हैं इसके अंदर, और सूजी को अच्छे तरीके से भून लेंगे इसके साथ। इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको घी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। इसको तब तक भूनेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। भी यहाँ पे थोड़ा सा और घी इसमें ऐड किए, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर और ऐड किए। ये देखिए इसमें इतना घी है, अगर आप इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो घी ऊपर आ रहा है, ये देखें। टोटल इसमें 3/4 कप के बराबर घी गया है। खुशबू फैलना स्टार्ट होगी तब हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको इस तरीके से हिलाते हुए भुनाई करेंगे, कहीं से लगनी नहीं चाहिए। यहाँ पे सूजी भुन चुकी है, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अभी इस टाइम पे इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये ट्रेडिशनल तरीका है हलवा बनाने का, इसके बहुत से तरीके होते हैं। इसके अंदर 3 कप के बराबर पानी डालेंगे। यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर, और बादाम को हम एंड में ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसको मीडियम टू लो आंच पे हम पका रहे हैं, और इसका पानी ड्राई करेंगे जब तक ये फूल नहीं जाती। अभी इसके अंदर पानी है, ये देखें फूलना स्टार्ट हो रही है, थिक थिक सी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसकी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना शुरू होगी। इसको हमने चम्मच को छोड़ना नहीं, हिलाते रहेंगे ताकि नीचे नहीं लगे। देखें ये कुक हो रहा है, अब इसका पानी मुकम्मल ड्राई कर देंगे। उसके बाद इसको दम की आंच में 5 मिनट रखेंगे कवर करके। देखिए इसका घी छूटना स्टार्ट हो गया है, पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अभी इस टाइम पे इसको दम की आंच में कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से हलवा हमारा बन के रेडी है, सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा सूजी का हलवा बन के रेडी है। सर्दियों के दिनों में ये बहुत ही अच्छा लगता है, गरम गरम आप इसको सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है सबको ये। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।